इसी तरह से हम जानते हैं कि अधातुएं भी काफी सक्रिय होती हैं। जहां पर धातुओं की सक्रियता उनकी इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने की क्षमता पर आधारित है, वहीं पर अधातुओं की जो क्षमता है या उनकी रिएक्टिविटी है वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता पर आधारित है। क्योंकि हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, उनकी प्रकृति या उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं, उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती हैं। और हम जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह पाई जाती है 17वें वर्ग के तत्वों में, यानी कि हैलोजन समूह में। और हम जानते हैं कि हैलोजन समूह जिसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन, यहाँ पर सबसे ऊपर है फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है और इसीलिए फ्लोरीन की सक्रियता भी सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है, या हम कह सकते हैं कि इनकी सक्रियता इसी क्रम में कम होती जाती है। चूँकि यहाँ पर फ्लोरीन सबसे सक्रिय अधातु है, या हम कहें कि इसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह अपने नीचे आने वाले तत्वों यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि को उनके यौगिकों में से निष्कासित कर देती है या उन्हें उनके यौगिकों में से ऑक्सीकृत कर देती है। उदाहरण के लिए हम देखें, जब फ्लोरीन की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ पर हम जानते हैं फ्लोरीन अपनी तात्विक अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। जब इसकी क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है वह -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि पोटेशियम यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब इनकी क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप बनता है पोटेशियम फ्लोराइड और साथ ही साथ बनती है क्लोरीन गैस, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वह पोटेशियम आयोडाइड में से जो आयोडाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, उनको क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देती है। तो यहाँ पर पोटेशियम फ्लोराइड में हम देखें कि जो फ्लोरीन है वह -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा जो क्लोरीन है वह अपनी तात्विक अवस्था में है। तो यहाँ पर हम देखें कि फ्लोरीन जहाँ अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन का अपचयन हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ ही साथ हम देखें कि जो फ्लोरीन है इतनी ज़्यादा सक्रिय होती है कि ये इसका जल के साथ भी ये क्रिया कर लेती है और जल के साथ क्रिया करके भी यह इसमें से ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है, या हम कहें कि यह ऑक्सीजन जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देती है। जब हम इसकी क्रिया जल से कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर भी हम देखें कि जो जल में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है और यह अपनी तात्विक अवस्था में परिवर्तित हो रही है, यानी कि शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि स्वयं फ्लोरीन F2 जो है वह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि यह स्वयं अपचयित हो रही है। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर हम देखें कि जो फ्लोरीन है उसकी सक्रियता की वजह से, क्योंकि यह जल से भी क्रिया कर लेती है, इसीलिए जब फ्लोरीन के द्वारा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का निष्कासन करना होता है या इन्हें ऑक्सीकृत करना होता है तो उसके लिए इनके जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से हम देखें कि जहाँ पर फ्लोरीन, चूँकि यह सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है, इसलिए अपने नीचे आने वाली फ्लोरीन चूँकि यहाँ पर सबसे सक्रिय अधातु है और इसीलिए अपने नीचे आने वाले जो क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन है इन्हें ऑक्सीकृत कर देती है। इसी तरह से जो क्लोरीन होगी वह भी अपने नीचे आने वाले यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देती है। हम जानते हैं कि जब उदाहरण के लिए क्लोरीन की क्रिया
जब क्लोरीन की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड से हम कराएंगे तो यहाँ पर जो यह पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गई और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोमीन मुक्त हो जाती है, यानी कि ब्रोमीन यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाती है। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर क्लोरीन की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो वहाँ पर पुनः पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर आयोडीन जो होगी वह मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें कि इस क्रिया के द्वारा भी हम क्लोरीन की सहायता से ब्रोमीन तथा आयोडीन को उनके यौगिकों में से निष्काशित कर सकते हैं, पृथक करके प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखें कि इस प्रकार से जो ब्रोमीन बन रही है जो कि द्रवित अवस्था में होती है या आयोडीन जो बन रही है जो कि ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होती है, ये चूँकि कार्बनिक विलायकों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं इसमें आसानी से विलय हो जाते हैं और इनके विलयन का विशेष रंग होता है, क्योंकि जो ब्रोमीन है उसका रंग जो उसके विलयन का रंग होता है वह लाल भूरा होता है और जो आयोडीन है इसके विलयन का रंग होता है बैंगनी। और इसी वजह से जैसे ही ये ब्रोमीन या आयोडीन के रूप में निष्काशित होते हैं विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर हम उस यौगिक में ब्रोमीन या आयोडीन की उपस्थिति की पहचान कर लेते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग ब्रोमीन और आयोडीन की पहचान के लिए किया जाता है और इस परीक्षण को विशेष नाम दिया जाता है जिसे परत परीक्षण या लेयर टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से इस विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग इन अधातुओं यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन की पहचान के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से अब चूंकि ब्रोमीन आयोडीन से अधिक सक्रिय है क्योंकि सक्रियता क्रम में उससे ऊपर है, इसलिए इसी तरह से ब्रोमीन भी आयोडीन को उसके यौगिक में से विस्थापित कर सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन्हीं सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का उपयोग करके हम फ्लोरीन की सहायता से जहां क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन को निष्काशित कर सकते हैं या शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्व है। लेकिन हम यहाँ पर देखें चूँकि फ्लोरीन के द्वारा तो हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को निष्काशित कर सकते हैं और शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चूँकि फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक है और इससे अधिक ऑक्सीकारक कोई नहीं है, इसलिए इस विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग हम फ्लोरीन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते और इसीलिए फ्लोरीन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए प्रायः वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं चौथे प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाओं को, जिसे हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रियाएं या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रियाएं विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई एक तत्व अपनी ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्थाओं में एक से अधिक ऑक्सीकृत या अपचयित अवस्थाओं में उपस्थित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी होता है और उसी का अपचयन भी होता है। अब चूंकि यहाँ पर एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है और हम ये भी जानते हैं कि जब तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और जब उसका अपचयन होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह तत्व अपने सक्रिय पदार्थ में या हम कह सकते हैं कि अभिकारक में अपनी माध्यमिक अवस्था में होता है जबकि उत्पाद में यह अपनी उच्चतम तथा निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। स्पष्ट है कि चूंकि यहाँ पर किसी भी तत्व की तीन या उससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाएंगी इसलिए वे ही तत्व इस प्रकार की अभिक्रियाएं दे पाएंगे जो कि तीन से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन होता है तो जल बनता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में
यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, और चूंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं इसलिए कुल धनावेश दो होगा। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन से दो ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक ऑक्सीजन पर केवल माइनस वन आवेश होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में होगी। वैसे भी हम जानते हैं कि जो परऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वह भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था शो करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जल में जहाँ यह माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, वहीं पर ये जो परऑक्साइड होते हैं उसमें माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। जो सुपरऑक्साइड होते हैं तो सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन माइनस हाफ ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। इसके अलावा जब यह फ्लोरीन के साथ क्रिया करती है तब यह प्लस वन और प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में यह माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, और जब यह विघटित होकर जल बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल में यह माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि ऑक्सीजन जो कि अपनी तात्विक अवस्था में है वहाँ पर यह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अभिकारक में माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, जो कि इसकी माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था हुई, जबकि जल में यह अपनी माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि ऑक्सीजन में यहाँ पर यह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है यानी कि अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जल है वो भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो कर रहा है। यहाँ पर एक ही तत्व का, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में यह माइनस वन में है और माइनस वन से जब यह जल में माइनस टू में जा रही है तो इनके ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब यह माइनस वन से ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रही है यानी कि शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, तो यहाँ पर इनके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है और इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटकर जल तथा ऑक्सीजन बनाता है तो वहाँ पर उसमें उपस्थित एक तत्व ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण भी होता है और ऑक्सीजन का ही अपचयन भी होता है। इसलिए यह जो अभिक्रिया है वह असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी तत्व का अपचयन भी हो रहा है। इसी तरह की अभिक्रियाएं यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर या क्लोरीन के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती हैं। उदाहरण के लिए जब यहाँ पर फास्फोरस की क्रिया क्षार के द्वारा की जाती है या क्षार के साथ जब हम इसकी क्रिया करते हैं तो यहाँ पर यह जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं फास्फोरस P4 जो कि अपनी तात्विक अवस्था में है यानी कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। जब इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम है वह प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, हाइड्रोजन भी प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ पर जो फास्फोरस है वह क्रिया करके फास्फीन बनाता है यानी कि PH3 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फास्फीन में प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, और चूंकि इसके तीन परमाणु हैं इसलिए कुल जो धन आवेश होगा वह तीन होगा, और इसलिए यहाँ पर फास्फोरस पर माइनस थ्री आवेश होंगे यानी कि यह यहाँ पर माइनस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसी तरह से साथ ही साथ फास्फीन के अलावा यहाँ पर सोडियम हाइपोफास्फाइट बनता है जिसका सूत्र होता है NaH2PO2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइपोफास्फाइट में यदि हम ऑक्सीकरण संख्या देखें तो सोडियम चूंकि धातु है इसलिए यहाँ पर यह प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन, यह भी प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दो है, यानी कि इसके द्वारा दो धनावेशों की पूर्ति की जाएगी। अब इसके बाद हम देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी माइनस टू, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है इसलिए कुल ऋण आवेश यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कुल
चार ऋणावेश हैं उसमें से एक ऋणावेश को उदासीन किया जा रहा है सोडियम के द्वारा तथा दो ऋणावेश को उदासीन किया जा रहा है दो हाइड्रोजनों के द्वारा, यानी कि अब बच गया एक ऋणावेश। इसका मतलब यह है कि जो एक धनावेश है उसकी पूर्ति की जा रही है फास्फोरस के द्वारा। तो यानी कि यहाँ पर फास्फोरस प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि प्रारंभ में जो फास्फोरस अपनी तात्विक अवस्था में है वहाँ पर यह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है और यह बनाता है फॉस्फीन, जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है -3, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है। साथ ही साथ फास्फोरस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइट भी बना रहा है, जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फास्फोरस है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया भी असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस अपनी तीन तीन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है। यहाँ यह अपनी तात्विक अवस्था में उपस्थित है अभिकारक के तौर पर, वहीं यह उत्पाद में अपनी ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्था में उपस्थित है, यानी कि यह तीन भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए यह अभिक्रिया असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर सल्फर का ले सकते हैं। यहाँ पर सल्फर अपनी तात्विक अवस्था में S8 अवस्था में है। जब इसकी क्रिया क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट बनता है। यदि हम सल्फर को लें तो यह अपनी तात्विक अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम देखें तो सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा ऑक्सीजन यहाँ पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये मिलकर जब सोडियम सल्फाइड बनाते हैं यानी कि Na2S बनाते हैं तो यहाँ पर सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि सल्फर यहाँ पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसके अलावा जब हम सोडियम थायोसल्फेट में देखें तो सोडियम थायोसल्फेट में भी सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सल्फर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यदि हम देखें ऑक्सीकरण अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर जो अभिकारक सल्फर है या सल्फर जो अधातु है वह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से पहले -2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, जहाँ पर यह सोडियम सल्फाइड में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से ये -2 में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है। दूसरी ओर जब यहाँ पर यह सोडियम थायोसल्फेट बना रही है उस समय जो सल्फर है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +4 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें इस अभिक्रिया में भी सल्फर जो अभिकारक के तौर पर है वहाँ पर अपनी तात्विक या माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा यह अपचयित होकर -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है तथा ऑक्सीकृत होकर +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो कि -2 इसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तथा +4 इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, जबकि S0 जो है यह इसकी माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इस तरह से हम देखें यह अभिक्रिया भी असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन भी असमानुपातन अभिक्रिया देती है, क्योंकि क्लोरीन भी भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। जब क्लोरीन की क्रिया भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जिसका सूत्र यहाँ पर है NaClO। और यहाँ पर हम देखें कि जहाँ क्लोरीन अपनी तात्विक अवस्था में है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, वहीं जब यह सोडियम हाइपोक्लोराइड में परिवर्तित हो रही है तो यहाँ पर यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दूसरी ओर साथ ही साथ बनता है सोडियम क्लोराइड,
और सोडियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि क्लोरीन अपनी -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। तो इस तरह से हम देखें कि क्लोरीन जहां अभिकारक में तात्विक अवस्था में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, वहीं यहां पर यह सोडियम हाइपोक्लोराइट में अपनी +1 यानी कि अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ ही साथ यह सोडियम क्लोराइड में अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, क्योंकि यहां पर भी क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है तथा क्लोरीन का ही अपचयन हो रहा है तथा अभिकारक में यह अपनी तात्विक अवस्था या माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, इसलिए यह अभिक्रिया भी असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित की जा रही है, उसी तरह से यहाँ पर ब्रोमीन तथा आयोडीन के द्वारा भी असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि ये जो क्लोरीन है और यह परिवर्तित होकर सोडियम हाइपोक्लोराइट बना रही है, तो यहाँ पर ये जो हाइपोक्लोराइट आयन बनते हैं, यहाँ पर Cl-O- ये जो क्लोराइट आयन बनते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन बनते हैं, ये विरंजन का कार्य भी करते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये रंगीन धब्बों के द्वारा को ये ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं यहाँ पर अपचयित हो जाते हैं और इन रंगीन धब्बों को ऑक्सीकृत करके उन्हें रंगहीन बना देते हैं तथा स्वयं वहाँ पर अपचयित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो अभिक्रिया है ब्रोमीन तथा आयोडीन के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि जो फ्लोरीन है वह इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता है। इसकी अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराई जाती है तो भिन्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब फ्लोरीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2 भी बनते हैं और साथ ही साथ जल बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो फ्लोरीन है अपनी तात्विक अवस्था में है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड में यह अपनी -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसी तरह से जो OF2 ऑक्सीजन का जो फ्लोराइड बन रहा है वहाँ पर भी यह अपनी -1 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है, यानी कि यह एक ऑक्सीकरण अवस्था अभिकारक में शो कर रही है और दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था -1 उत्पादों में शो कर रही है, यानी कि यह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही अवस्था में जो उत्पाद बन रहे हैं यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शून्य अवस्था से केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि यहाँ पर इनका केवल अपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है जिसमें फ्लोरीन का केवल अपचयन होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, ये कोई असामान्य अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है और इसीलिए यह कभी भी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता और यही कारण है कि फ्लोरीन यहाँ पर अपचयित हो रहा है या ऑक्सीकृत नहीं होगा, यानी कि यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन कभी भी असमानुपातन अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि यह अपनी केवल शून्य और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, कभी भी यह अपनी शून्य से ऊपर यानी कि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि असमानुपातन अभिक्रियाएं वे ही तत्व प्रदर्शित करेंगे जिनमें 3 या उससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। आइए अब इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं।